नमस्कार। आज के लेक्चर में हम आपसे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के जो डिवाइसेस होती हैं उनका हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है। हायरार्किकल से मतलब पहला जो स्केल बताया गया है वो सबसे क्रूड तरीका है मेजर करने का, और जो सबसे आखिर में स्केल बताया गया है वो सबसे रिफाइंड तरीका है मेजरमेंट करने का। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का ये क्लासिफिकेशन SS स्टीवेंस ने दिया था, जिसमें इन्होंने चार तरीके के स्केल्स बताए थे। एक स्केल से नॉमिनल स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल लेवल, ये लेवल्स भी कहलाते हैं क्योंकि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है, तो पहला लेवल है नॉमिनल लेवल, दूसरा है ऑर्डिनल लेवल, तीसरा है इंटरवल लेवल और चौथा है रेशियो लेवल। ऑर्डिनल लेवल सबसे क्रूड तरीका है किसी चीज़ को मेजर करने का, और रेशियो लेवल सबसे रिफाइंड तरीका है। अब ये होते क्या है इन पर बात करते हैं। पहले नॉमिनल लेवल के स्केल की बात करते हैं। नॉमिनल लेवल से मतलब जो नाम मात्र के लिए मेजरमेंट कर रहा है। नाम मात्र से मतलब कि वो मेजरमेंट कोई खास महत्व नहीं रखता है, या वो कुछ बताता नहीं है कि खाली कुछ गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज़ को एक कैटेगरी में डाल देना, ये नॉमिनल स्केल कहलाता है। ये जो दो स्केल्स हैं, पहले और दूसरे, ये क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटेटिवली बेसिकली मेजर करते हैं, और ये दोनों स्केल्स क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। नॉमिनल स्केल में आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे महिला या पुरुष किसी जनसंख्या को दो भागों में बांट देना, महिला और पुरुष। इसका मतलब सभी महिलाएं जिनमें महिलाओं की विशेषताएं हैं उन सबको एक ही समूह में डाल दिया, तो वो महिला पुरुष इस तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया। तो ये खाली क्लासिफिकेशन करते हैं, ये कहीं भी मैग्नीट्यूड नहीं बताता है ये स्केल। ये खाली ये कहता है महिला है या पुरुष है, लड़का है, लड़की है। फलों का क्लासिफिकेशन कर दीजिए कि ये सेब है, ये आम है, ये अंगूर है, ये है ना केला है, इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया। फलों को हमने क्लासिफाई कर दिया, सब्जियों को क्लासिफाई कर दिया, अनाजों को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, लिविंग बींग्स को क्लासिफाई कर दिया, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई कर दिया। तो ये कहीं भी हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताते हैं। तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो नॉमिनल लेवल कहलाता है। ऑर्डिनल लेवल इससे बेहतर क्लासिफिकेशन है। ऑर्डिनल लेवल ये बताता है स्केल, जो ऑर्डिनल लेवल है वो बेसिकली बताता है रैंक, रैंक ऑर्डर। अब यहाँ मैग्नीट्यूड की शुरुआत हो जाती है। जैसे क्लास में फर्स्ट मोहन आया और सेकंड राकेश आया और थर्ड सुरेश आया। अब इसमें मोहन के नंबर भले राकेश से एक नंबर ज़्यादा हो, तब भी वो राकेश सेकंड हो जाएगा और मोहन फर्स्ट हो जाएगा। और राकेश और रमेश के अंकों में अगर 20 अंकों का भी अंतर है तब भी वो तीसरे नंबर पर रहेगा। जैसे दौड़ होती है तो दौड़ में फर्स्ट आया कोई, सेकंड आया कोई, थर्ड आया। फर्स्ट आने वाला वो होगा जो सबसे पहले निकला, उसके बाद जो निकला है भले वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के बाद ही आ गया है ना, सेकंड के 10वें हिस्से के बाद वो आ गया, फिर भी वो सेकंड कहलाएगा। तीसरे नंबर पर हो सकता है वो एक मिनट बाद आया है ना, तब भी वो थर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में जो इंटरवल है वो बराबर नहीं, केवल यहाँ पे क्या है रैंक ऑर्डर है ना, किन्हीं चीज़ों को। लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाता है। क्यों मैग्नीट्यूड आ जाता है? क्योंकि रैंक में ये बता रहा है कि पहला दूसरे से ज़्यादा है। यहाँ पर महिला पुरुष से ज़्यादा है या पुरुष महिला से अधिक है ना, पुरुष महिला से ज़्यादा है हम ये नहीं कह सकते, अच्छा है हम ये नहीं कह सकते। वो पुरुष है, सारे पुरुष एक ही कैटेगरी, सारी महिलाएं एक ही कैटेगरी में हैं, और इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है इस स्केल में। लेकिन यहाँ पे छोटा बड़ा हो जाता है, फर्स्ट है वो बड़ा है, सेकंड है वो उससे छोटा है, थर्ड है उससे छोटा है, फोर्थ है उससे छोटा है ना। तो यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड हो जाता है ना, एक रैंक दिया जा सकता है। तो जब हम रैंक का इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो फिर वो जो स्केल है वो ऑर्डिनल स्केल कहलाता है। फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, मतलब आप 100 लोगों को 1 से 100 तक रैंक में डिवाइड क्लासिफाई कर दीजिए तो वो स्केल ऑफ मेजरमेंट कहलाएगा। 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी हैं उनको रैंक दे दें अगर हम,
है ना, जैसे आमदनी का डेटा तो बेसिकली रेशियो स्केल में आता है ना। अगर हम ये कहें कि साहब ये धनवान है, ये बहुत धनवान है, ये धनवान है, ये सामान्य आय वाला है, सामान्य से अधिक आय वाला है, सामान्य आय वाला है, सामान्य से कम आय वाला है ना, गरीब है, अति गरीब है ना, इस तरीके से हमने सारी जनसंख्या को कैटेगराइज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा आधार नहीं है कि हम किसको धनवान कह रहे हैं, है ना। कोई अगर हमने आमदनी का क्लासिफिकेशन का पॉइंट लगा दिया है तब तो ये नॉमिनल स्केल नहीं कहलाएगा, लेकिन हम ओवरऑल देख करके, है ना, ये धनी व्यक्ति है, ये समाज में जैसे होता है हम किसी को धनी कहते हैं, तो हम ये थोड़ी कि उसको मेजर कर लेते हैं कि साहब अगर मेरे पड़ोसी से मेरे पास कम पैसा है तो अनुमान लगाने वाला मेजरमेंट नहीं कर लेता है कि मैं उससे गरीब हूँ, है ना, लेकिन वो मुझे रैंक कर देता है ना कि वो अमीर है इसके बजाय और ये गरीब है, इससे भी गरीबी है, इससे भी गरीबी है, इससे भी गरीबी है, इस तरीके से। अगर कोई इस तरीके का हायरार्किकल मेजरमेंट करता है ना, वो मेजरमेंट कहलाता है ऑर्डिनल स्केल, क्रम देता है। उसके बाद आता है इंटरवल स्केल। देखिए ऑर्डिनल स्केल में रैंक होता है, जहाँ जहाँ आप रैंक देते हैं वो सब इंटरवल स्केल्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल्स कहलाते हैं। इंटरवल स्केल में क्या होता है, इंटरवल स्केल में इक्वल इंटरवल्स पे रखा जाता है। जैसे अगर हम कोई एक 40 नंबर का टेस्ट बनाया हमने, तो किसी हम जो व्यक्ति को मेजर करते हैं वो अंकों पे करते हैं, है ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, एक नंबर, 1.5, 2.5, 3.5, इसी तरीके से हम नंबर देते हैं, है ना, और 40 तक नंबर देते हैं। किसी का शून्य भी आ सकता है तो किसी के 40 में से 40 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरवल्स उस स्केल में हमने इंटरवल्स बनाए वो बराबर के बनाए, जैसे पहला 0 नंबर, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 40, इस तरीके से हमने स्केल जो हमने बनाया और उसके हिसाब से जितने उसके नंबर आते हैं उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि 40 में से इसके 20 नंबर आए, इसके 30 नंबर आए, इसके 40 नंबर आए, इसके 10 नंबर आए, इस तरीके से। तो ये स्केल्स इंटरवल स्केल्स कहलाते हैं, मतलब जो मेजरिंग डिवाइस है उसमें इक्वल इंटरवल्स पे हमने मेजर करने की व्यवस्था की हुई है, तो इंटरवल स्केल कहलाता है। तो ज़्यादातर एजुकेशन में, है ना, सोशल साइंसेस में और आपके साइकोलॉजी में इंटरवल स्केल का ही इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप सीटी क्लास टेस्ट होते हैं उसमें भी इंटरवल स्केल होता है, है ना, क्विज टेस्ट होते हैं उसमें भी इंटरवल स्केल होता है ना, ये सब इंटरवल स्केल्स हैं। लेकिन वजन तौलने वाले जो फिजिकल साइंसेस में जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस रेशियो स्केल कहलाती हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम फ़र्क समझ जाएंगे तो हम इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में डिफरेंस समझ सकते हैं। देखिए इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस है एब्सोल्यूट जीरो का। अब देखिए जैसे अगर हम लंबाई की बात करें, जीरो लंबाई का मतलब एब्सेंस ऑफ हाइट, जीरो वेट का मतलब एब्सेंस ऑफ वेट, जीरो प्रेशर का मतलब एब्सेंस ऑफ प्रेशर, है ना, जीरो टेम्परेचर का मतलब, टेम्परेचर का मतलब अगर वो केल्विन में है, केल्विन में है तो उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता है, लेकिन अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इसका मतलब उसके माइनस में भी होता है, उससे नीचे भी जाता है। जीरो हमने वो मान लिया जहाँ पे पानी बर्फ बन जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, जो हमारे टेम्परेचर सामान्यतः जो डिग्री सेंटीग्रेड में नापने वाला जो डिवाइस है टेम्परेचर को, वो बेसिकली उस लेवल पे जीरो मान लेता है जहाँ पर पानी बर्फ बन जाता है। क्या टेम्परेचर इससे नीचे नहीं जा सकता? अगर जा सकता है तो जीरो वहाँ पे क्यों लिया गया? इसका मतलब जीरो एब्सोल्युटली जीरो नहीं है, वो आर्बिट्रोली फिक्स्ड जीरो है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि किसी बच्चे के गणित की परीक्षा में जीरो अंक आए, आठवीं की परीक्षा उसने दी और उसके जीरो अंक आए, तो क्या हम ये कह देंगे उसको गणित में कुछ भी नहीं आता? नहीं कह सकते, क्योंकि उसे गणित में कुछ ना कुछ तो आता है, वो जीरो नहीं है। जीरो उस टेस्ट में जो आइटम्स दिए गए हैं उन आइटम्स पे उसका जीरो अंक है, और इन आइटम्स पे जो बच्चा कुछ भी नहीं बता पाएगा उसके लिए हमने फिक्स कर दिया, मान लिया कि उसकी परफॉर्मेंस, उसका अचीवमेंट जीरो है, तो वो
पेपर सेटर ने, एग्जामिनर ने एक जगह पे जीरो एज्यूम कर लिया, आर्बिट्रली उसने फिक्स कर लिया कि जीरो यहां पर है। वो जीरो वास्तव में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब अगर गणित में जीरो अंक आए तो इसका मतलब गणित में उसे कुछ भी नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होता है जिसको गणित में कुछ नहीं आए, है ना। कोई भी बच्चा है ना जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं आता होगा तो 1 2 3 4 5 तक गिनती तो आती होगी। इसका मतलब गणित में कुछ आता है, इसका मतलब हम जीरो गणित की जो अचीवमेंट है उसमें जीरो एब्सोल्यूट जीरो नहीं ढूंढ सकते। ऐसे पर्सनैलिटी है, से इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, साइकोलॉजी में जितनी एजुकेशन में जितनी चीज़ें हम मेजर करते हैं वो सब आप देखिए उनमें हम जीरो मान लेते हैं। कहीं भी जीरो इंटेलिजेंस नहीं हो सकती किसी की, जीरो एटीट्यूड स्कोर नहीं हो सकता। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंटरवल स्केल में और रेशियो स्केल में। जितने मनोविज्ञान में है ना टेस्ट डेवलप किए जाते हैं, जितने एजुकेशन के टेस्ट में टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, बशर्ते वो फिजिकल साइंसेज से बोरो नहीं किए गए, है ना। जैसे अगर हम कोई वेइंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रेशर मशीन इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर की कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं, लेंथ नापने की कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं, अगर ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मशीनें, तो वो साइंस के में जो मेजरमेंट फिजिकल साइंसेस में जो मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो डिवाइसेस में रेशियो स्केल हो सकता है। लेकिन वहीं पर रेशियो स्केल होगा जहाँ पे जीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ ट्रेट हो। अगर जीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब टेस्ट बनाने वाले ने जीरो अपनी मर्जी से कहीं पर मान लिया, वास्तविक जीरो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वास्तविक शून्य होना चाहिए। अगर वास्तविक शून्य है तो फिर हम उसको रेशियो स्केल मान सकते हैं। रेशियो यहां पर टर्म क्यों इस्तेमाल किया जाता है, देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी बच्चे के टेस्ट में 20 नंबर आए 40 नंबर के टेस्ट में और एक दूसरे बच्चे के टेस्ट में 40 नंबर आए, तो क्या हम कह सकते हैं कि दूसरा जो बच्चा है वो पहले बच्चे से 2 गुना ज़्यादा जानता है? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ जो ज़ीरो फिक्स किया गया है उसके नीचे भी बच्चा और भी बहुत सारी चीज़ें जानता है वो। इसका मतलब वो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे एक कोई रेशियो निकाला जा सकता है, अनुपात नहीं निकाला जा सकता जब हम इंटरवल स्केल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अभी मैं इसके बाद जब इन चीज़ों को समझा दूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये रेशियो क्यों निकाला जा सकता है, क्यों नहीं निकाला जा सकता है, इसको एक डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ अभी हम कंपैरिजन करते हैं कि जो वेरियस लेवल्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है या इनमें तुलना क्या है। तो पहली चीज़ तो मैग्नीट्यूड, मात्रा। जैसे अगर हम मेल और फीमेल कहते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं मेल टू व्हाट एक्सटेंट, फीमेल टू व्हाट एक्सटेंट, ये नहीं कर रहे हैं। आम है ना, कितने आम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस सीमा तक उसमें आम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आम है, नहीं है तो आम नहीं है। इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड नहीं होता है नॉमिनल स्केल में, ऑर्डिनल स्केल में होता है। ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है, है ना, ये इससे फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है ना। जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट है, उससे कम मैग्नीट्यूड है, उससे कम सेकंड है, उससे कम मैग्नीट्यूड है, उससे कम है ना। इंटरवल, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जब हम ऑर्डिनल स्केल इस्तेमाल करते हैं कि ये फर्स्ट आया और ये सेकेंड आया, है ना, 40 नंबर वाला क्लास में फर्स्ट आया, 38 नंबर वाला सेकेंड आया, 35 नंबर वाला थर्ड आया, तो 40 नंबर वाला जो विद्यार्थी है अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेजर कर रहे हैं, 40 38 और 35 में मेजर कर रहे हैं तो इंटरवल स्केल है। अगर हम ये हटा करके फिर कहते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड में 2 नंबर का अंतर है और सेकंड एंड थर्ड में 3 नंबर का अंतर है, इसका मतलब इक्वल इंटरवल नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल, अगर हम इक्वल इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल होता है और यहाँ पे इक्वल इंटरवल नहीं होता है।
ठीक है, मैग्नीट्यूड इन तीनों में होता है, इक्वल इंटरवल इन दोनों में होता है, इक्वल इंटरवल है ना, रेशियो स्केल में भी इक्वल इंटरवल होता है और इंटरवल स्केल में भी इक्वल इंटरवल होता है, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में इक्वल इंटरवल नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करें, एब्सोल्यूट जीरो में अभी आपको समझाऊंगा एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, तो यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर हम पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पे खाली सब बराबर होते हैं, है ना, कि मेल इज इक्वल टू फीमेल, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इक्वल टू होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लेसर देन होता है ना, जो फर्स्ट आया वो ग्रेटर है, सेकेंड आया वो लेसर, ठीक है, तो ग्रेटर देन एंड लेसर देन होता है और इक्वल टू होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि जो काम रेशियो स्केल कर सकता है ना, रेशियो स्केल ये सारे काम कर सकता है, इससे पहले के जो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के स्केल्स हैं उन सारे कामों को कर सकता है। इंटरवल स्केल ये दोनों का काम कर सकता है लेकिन इसके सारे काम नहीं कर सकता। ऑर्डिनल स्केल इसके काम कर सकता है लेकिन आगे वालों के सारे काम नहीं कर सकता है। नॉमिनल स्केल केवल इसी के काम कर सकता है, इनमें से किसी का भी कोई काम नहीं कर सकता है। तो जितना रिफाइंड स्केल होता है वो अपने पिछले लेवल्स का तो सारा काम कर ही सकता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर लेसर देन ग्रेटर देन होता है तो इक्वल टू भी होता है ना। यहाँ पे प्लस माइनस के ऑपरेशन किए जा सकते हैं और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू के भी किए जा सकते हैं, ग्रेटर देन लेसर देन प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जा सकते हैं, यहाँ पे ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं, प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेशियो स्केल में आप ये नहीं कह सकते कि इंटरवल स्केल में आप ये नहीं कह सकते कि 40 नंबर पाने वाला विद्यार्थी है ना, या अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, ऐसे मान लीजिए इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो अगर किसी बच्चे को इंटेलिजेंस टेस्ट पर 160 अंक मिले हैं, इसका मतलब आईक्यू का जो लेवल है उसका, 160 अंक नहीं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट उसका कैलकुलेट किया गया किसी टेस्ट से और 160 आया, तो 160 का मतलब वो बहुत करोड़ों में एक है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। एक दूसरे बच्चे के 80 इंटेलिजेंस क्वोशेंट आ रहे हैं तो क्या हम ये कहेंगे 80 का मतलब एवरेज से नीचे होता है, ठीक है। तो क्या 80 इंटेलिजेंस क्वोशेंट वाले विद्यार्थी से 160 वाले विद्यार्थी का बौद्धिक क्षमता दोगुनी होती है? कुछ नहीं कह सकते कि दोगुनी होती है, कि तीन गुनी होती है, कि 10 गुनी होती है, कि 1.5 गुनी होती है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो क्षमता है वो दोगुनी होती है, इसका मतलब हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वाइस वर्सा हम ये भी नहीं कह सकते कि जिसका इंटेलिजेंस, मान लीजिए ए का इंटेलिजेंस 120 आया आईक्यू और बी का इंटेलिजेंस आईक्यू वो सॉरी ए का आईक्यू 160 आया और बी का 80 आया, तो क्या हम कहेंगे कि ए वो जो बी है वो ए का इंटेलिजेंस के बेसिस पे आधा है? डिवीजन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं हम। एक एक व्यक्ति का, मेरा मान लीजिए मेरा वजन 60 किलो है मान लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति का वजन 90 किलो है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे वजन से उसका वजन 1.5 गुना है, ठीक है, ये कहा जा सकता है। उसके वजन से मेरा वजन 33% कम है, ये कहा जा सकता है। उसके वजन से 33% मेरा वजन कम है, मेरे वजन के अनुपात में उसका वजन मेरे से 50% अधिक है, तो 1.5 गुना है। कोई 120 किलो का है तो हम कह सकते हैं वो डबल है, मैं उसका वजन के हिसाब से आधे वजन वाला हूँ, कहा जा सकता है। तो क्योंकि वहाँ पे रेशियो स्केल इस्तेमाल किया जा रहा है, मेजरिंग डिवाइस जो वेट मेजरमेंट डिवाइस है ना किलो, वो रेशियो स्केल है, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, 2 गुना है ये कह सकते हैं और आधा है ये कह सकते हैं, 3 गुना है, 5 गुना है, ये गुणा हो गया, गुना का मतलब, और आधा, चौथाई, 5वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, ये भाग हो गया, है ना। तो इसका मतलब वहाँ पे हम
रेशियो स्केल में प्लस और माइनस के ऑपरेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए कि क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। देखिए, जब हम नॉमिनल स्केल इस्तेमाल करते हैं तो खाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, जैसे हमने पांच वो कैटेगरीज बनाई है ना, ये आम है, ये सेब है, ये पपीता है, ये चीकू है, ये अंगूर है। अब हमारे पास बहुत सारे फल इकट्ठे थे, हमने उनको छांट छांट के अलग कर दिया, उसमें 10 आम निकले, 2 पपीते निकले, 5 अंगूर निकले, लाइक दैट है। तो हम उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मोड बहुलांक होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा फलों की निकले हम उसको कह देंगे कि ये मोड है, इस जो सैंपल जो हमने लिया है उसमें से। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आइए तो यहाँ पे हम ये काम तो कर ही सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, इसके अलावा हम मीडियम भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हायरार्किकल ऑर्डर में सारा लोगों को अरेंज कर लिया जाए तो बीच में कौन आ रहा है, इसके ऊपर मान लीजिए 11 लोग हैं, 10 लोग हैं या 11 लोग हैं, तो छठे से 7, 8, 9, 10, 11 पांच ऊपर हैं और छठे से 1, 2, 3, 4, 5 नीचे हैं। तो इसका मतलब मीडियन निकाल सकते हैं हम मीडियन निकाल सकते हैं, तो क्वार्टाइल भी निकाल सकते हैं। मीडियन 50% होता है तो क्वार्टाइल 25% होता है, तो इसका मतलब हम परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मीडियन 50% है तो हम 40% भी निकाल सकते हैं, 40% 4 डिसाइल हो गया, तो हम डिसाइल भी निकाल सकते हैं, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और भी चीज़ें, मीन भी निकाल सकते हैं। मीन के लिए क्या होता है, मीन निकालने के लिए कम से कम इंटरवल स्केल पे हमारे पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि डेटा का हमें सम करना पड़ता है, स्कोर्स होते हैं स्पेसिफिक स्कोर। यहाँ पे रैंक होती है, रैंक का सम नहीं किया जाता है, लेकिन मीन निकालने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर स्कोर्स हैं तो हम सम कर सकते हैं। तो मीन भी निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। इन एडिशन हम ये मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन है ना, ये जो कोरिलेशन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, है ना। जितने ये सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसको हम किसी और लेसन में बात करेंगे। ठीक है, ये अपने आप में ये थोड़े जटिल प्रक्रिया हैं, इतने आसानी से हम इस लेसन में अगर करते हैं कवर तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का हमने कंपैरिजन किया। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरवल और रेशियो स्केल में, एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट जरा समझने की कोशिश करिए और फिर हम देखते हैं कि क्यों हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के हम क्यों नहीं कर सकते हैं इंटरवल स्केल में, रेशियो स्केल में क्यों कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट, उस टेस्ट पे किसी बच्चे का जीरो आता है, मान लीजिए जीरो आता है, ठीक है, आईक्यू वैसे जीरो आता नहीं है, मतलब कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसमें जीरो आईक्यू आता है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हो सकता है चलिए, तो अब मान लीजिए हमने ये इक्वल इंटरवल बना दिए, आईक्यू 10, 20, 30 या स्कोर है आईक्यू मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 40, 50, 60, 70, ठीक है, यहाँ पे वेट है इन किलोग्राम, ठीक है, अब ये 0 किलोग्राम हो गया, 0 kg, ठीक है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड सो ऑन, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 100 kg, ठीक है। इसी तरीके से इंटेलिजेंस में के टेस्ट पे कुछ स्कोर्स आए और इसको थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ, 100 तक इसको भी बना, ये 100
टेस्ट पे स्कोर्स है, ये एनी टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंस टेस्ट, एनी टेस्ट। अब ये जो जीरो है मैंने आपको बताया, ये टेस्ट डेवलपर ने मान लिया कि यहां पे जीरो है ना, ये कोई टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है, ठीक है, सोशल साइंसेस में, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में। अब अगर ये जीरो वास्तविक जीरो, अब हम मान लेते हैं कि वास्तविक जीरो यहां पर है, ढूंढना मुश्किल है पर हम दो मिनट के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि वास्तविक जीरो यहां पर है, ये एब्सोल्यूट जीरो है, ये एब्सोल्यूट जीरो है, ये आर्बिट्रली फिक्स जीरो है, अब इसका तो हमें पता ही नहीं है वास्तव में कि एब्सोल्यूट जीरो कहां है। अब देखिए 10 वास्तव में अगर एब्सोल्यूट जीरो से हम 10 का डिस्टेंस देखें तो यहां से यहां तक का, और 20 का डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, तो क्या 10 जो है ना, या 20 जो है 10 का दोगुना है? नहीं है, दिख रहा है आपको दोगुना नहीं है, है ना? क्या 10 जो है 20 का आधा है? नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये मेजरमेंट तो हम यहां कर ही नहीं पा रहे, लिमिटेशन है हमारी कि हम ऐसा जीरो ढूंढ ही नहीं सकते हैं, तो ये हिस्सा जब हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि 20 जो है 10 का डबल है, या 40 जो है 20 का। अब 40 को देखिए, 40 यहां से, और वास्तविकता से अगर हम लें तो 40 यहां से यहां तक है, 40 न तो 10 का 4 गुना है और न 20 का 2 गुना है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसी तरीके से 40 का 20 आधा नहीं है और 10 वन फोर्थ नहीं है, इसका मतलब, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे एब्सोल्यूट जीरो है, तो 10 अगर इतना है तो 20 इतना है, 10 और 20 में रेशियो है, 10 20 का आधा है और 20 10 का दो गुना है, वाइस वर्सा 40 पे अगर हम जाएं, 40 पे जाएं तो 40 10 का 4 गुना है और 20 इसका आधा है, 20 का ये डबल है, इसका मतलब यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों कर पा रहे हैं, यहां पे केवल हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यहां पे केवल प्लस माइनस कर सकते हैं, 20 और 30 40 50 50 मतलब हम ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन ये ऑपरेशंस यहां पे संभव नहीं है, यही फर्क होता है रेशियो स्केल में। अगर ये इस तरीके का स्केल है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो है तो वो रेशियो स्केल है ना, कोई डाउट की बात नहीं, और जहां पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, आर्बिट्रली फिक्स जीरो है, पैसा टेस्ट है और आगे इंटरवल इक्वल है तो वो इंटरवल स्केल कहलाएगा। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली इंटरवल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। थैंक यू वेरी मच।